बिहार के चकिया में सालिग्राम शिला पत्थर को लेकर भड़काने की बड़ी साजिश हुई है। जिस शिला से रामलला की मूर्ति बनेगी वो शिला नेपाल से होकर अयोध्या जा रही थी और इसी क्रम में कुछ समुदाय को भड़काने की कोशिश हुई। जी हां, चकिया के पीएफआई के सदस्य सुल्तान उस्मान खान ने यह साजिश रची थी। ये वो पत्थर है जो हम राम मंदिर के लिए, आरएसएस के मंदिर के लिए जा रहा है, जो हमारी बाबरी मस्जिद के ऊपर बनेगी। आज ले जा रहे हो पत्थर, ले जाओ, लेकिन याद रखना कि एक वक्त आएगी जब हमारी नस्लें वही बाबरी मस्जिद इंशाल्लाह बनाएगी। बाबरी मस्जिद की दावेदारी कायम रहेगी। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। नारे तकबीर अल्लाह हू अकबर। जी हाँ, उस्मान खान ही वो व्यक्ति है। जब शिला नेपाल के रास्ते हुए चकिया में आई थी तब उस्मान खान ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और उसी सहारे से कई लड़के उसके नेटवर्क में मौजूद थे जिसको वो सक्रिय कर रहा था, तैयार कर रहा था। जी हाँ, सुल्तान उस्मान खान के फेसबुक पोस्ट के मुताबिक ना वो देश का संविधान मानता है और ना ही वो कानून मानता है। जी हाँ, ना ही वो देश का कानून मानता है। वो लगातार मुस्लिम समुदाय को भड़का रहा था और उसके मुस्लिम समुदाय को भड़का रहा था कि बाबरी मस्जिद पे उसकी दावेदारी जारी रहेगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारी वो बाबरी मस्जिद है जिसको हमारी आने वाली नस्लें इंशाल्लाह बनाएगी। आज ही का दिन 6 दिसंबर को हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, लेकिन हम लोग बाबरी मस्जिद को भूले नहीं है, ना ही अपने आने वाली नस्लों को हम लोग भूलने देंगे। एक वक्त आएगी कि दुनिया देखेगी इंशाल्लाह हमारी नस्लें बाबरी मस्जिद को वहीं तामीर कर रही है। बाबरी मस्जिद हमारे दिलों में जिंदा है और इंशाल्लाह ये ज़रूर तामीर होगी। जी हाँ, मुस्लिम समुदाय को वो भड़का रहा था कि बाबरी मस्जिद पे उसकी दावेदारी जारी रहेगी, लेकिन सही समय पर सही वक्त पर NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस बड़ी साजिश का खुलासा कर दिया है और यह साजिश PFI के सदस्य सुल्तान उस्मान खान ने ही रची थी। तो देखिए किस तरीके से शिला जब नेपाल के रास्ते बिहार से होते हुए अयोध्या पहुँच रही थी उसी दौरान यह षड्यंत्र रचा गया। PFI सरगनर, जी हाँ, रियाज मारूफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। रियाज के साथ अन्य 7 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। तो देखिए, रियाज, उस्मान और दानिश ये तीनों PFI से जुड़े हुए थे, जिसमें रियाज जो है वो बिहार प्रदेश का सचिव है। तो देखिए किस तरीके से सुल्तान उस्मान खान ही वो व्यक्ति है जिसने इस साजिश को अंजाम दिया है, लेकिन सही वक्त पर NIA ने इस साजिश का बड़ा खुलासा कर दिया। सही वक्त पर, सही समय पर, नहीं तो अनहोनी कुछ हो सकता था। और देखिए जिस तरीके से आप बता रहे हैं आपको कि NIA को एक बड़ी कामयाबी मिली है, और देखिए बिहार में शालिग्राम शिला पत्थर को लेकर जो भड़काने की साजिश हुई थी वो नाकामयाब हो गई और इस शिला से रामलला की मूर्ति भी बनेगी जैसा कि आपको पता है, लेकिन कुछ समुदाय के द्वारा इसे भड़काने की कोशिश हुई और किस तरीके से NIA ने इस साजिश का खुलासा किया है ये हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से सुल्तान उस्मान खान, जो कि सोशल मीडिया का लगातार सहारा ले रहा था, और अब उसी सहारे से वो तमाम जितने उससे जुड़े व्यक्ति थे, उससे जुड़े नेटवर्क थे, उन सब को सक्रिय कर रहा था, तैयार कर रहा था, लगातार तैयार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस साजिश का खुलासा हो गया है। और देखिए वो लगातार उसके फेसबुक पोस्ट पे सक्रिय कर रहा था, अपने नेटवर्क जोड़ रहा था, और उसके फेसबुक पोस्ट के मुताबिक वो मुस्लिम समुदाय को भड़का रहा था कि बाबरी मस्जिद पे उसकी दावेदारी जारी रहेगी। तो देखिए किस तरीके से उसने इस घटना को अंजाम दिया है, लेकिन सही समय पे, सही वक्त पे NIA ने एक कड़ा एक्शन लिया है और इसी कड़े एक्शन के साथ उसकी साजिश नाकामयाब हो गई है। तो देखिए लगातार आपको दिखा रहे हैं बिहार से बड़ी खबर।